दिल्ली के पूर्वी, उत्तर पूर्वी और मध्य इलाके में आज से 8 से 10 घंटे की बिजली कटौती हो सकती है। इन इलाकों में बिजली सप्लाई करने वाली निजी कंपनी BSES यमुना पावर लिमिटेड यानी BYPL ने कहा है कि उसके पास रोजाना 24 घंटे बिजली सप्लाई करने के लिए पैसे नहीं है। BYPL का कहना है कि 31 दिसंबर 2013 तक बिजली उत्पादन कंपनियों के 1351 करोड़ रुपए उन पर बकाया है, इसलिए अब बिजली उत्पादन कंपनियों को देने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। दिल्ली में आज से बिजली महंगी हो गई है। दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के मुताबिक BSES यमुना ने 8%, BSES राजधानी ने 6% और TPDDL ने 7% सरचार्ज लगाने का ऐलान किया। ये सरचार्ज आज यानी 1 फरवरी से लागू हो जाएगा। DRC के मुताबिक सरचार्ज का हर 3 महीने में रिव्यू किया जाता है। ताज़ा बढ़ोतरी फरवरी, मार्च और अप्रैल तक लागू रहेगी। बिजली पर सरचार्ज लगाने के बिजली कंपनियों के फैसले को दिल्ली सरकार ने गैर जरूरी बताया है। दिल्ली सरकार की तरफ से मीडिया में जारी बयान में कहा गया है कि इस वक्त CAG बिजली कंपनियों की ऑडिट कर रही है, ऐसे में रिपोर्ट आने से पहले बिजली पर सरचार्ज लगाना ठीक नहीं है। दिल्ली में आज से मदर डेयरी का दूध 2 रुपए महंगा हो गया। मदर डेयरी ने कल इसका ऐलान किया है। अब मदर डेयरी के फुल क्रीम दूध की कीमत 44 रुपए से बढ़कर 46 रुपए प्रति लीटर हो चुकी है। मदर डेयरी का टोन मिल्क अब 34 से बढ़कर 36 रुपए प्रति लीटर और डबल टोन की कीमत 30 रुपए से बढ़कर 32 रुपए प्रति लीटर हो गई है। आधी रात से डीजल 50 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। 50 पैसे की बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में डीजल का दाम 54 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर हो चुका है, जबकि मुंबई में ये मौजूदा 62 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर से बढ़कर 63 रुपए 23 पैसे हो चुका है। पिछले जनवरी से ये 13वां मौका है जब डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। इसके बावजूद तेल कंपनियों को डीजल की बिक्री पर 9 रुपए 24 पैसे प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है। चाय पर चर्चा नमो के साथ। आज से बीजेपी के इस खास अभियान का आगाज नरेंद्र मोदी करेंगे। गांधीनगर के नमो टी स्टॉल पर जाकर मोदी खुद चाय की चुस्कियों के बीच आम लोगों से देश की सियासत पर गंभीर मंत्रणा करेंगे। हाईटेक होगी नरेंद्र मोदी की चाय चौपाल। इन चाय चौपालों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मोदी की सभाएं दिखाई जाएंगी। मोदी चाहे देश के किसी भी कोने में भाषण दे रहे हों, वो भाषण चाय चौपाल पर बैठे लोग बड़ी स्क्रीन पर देख पाएंगे, सुन सकेंगे। फिलहाल बीजेपी की योजना देश के 300 संसदीय क्षेत्रों में करीब 1000 नमो टी स्टॉल लगाने की है। बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मानहानि का नोटिस भेजा है। केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक में गडकरी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उन्हें देश के सर्वाधिक भ्रष्ट लोगों की सूची में शामिल किया था। गडकरी के अनुसार केजरीवाल या तो 3 दिनों में अपने आरोपों को वापस ले, नहीं तो वो अपने खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि वो खुश हैं कि केजरीवाल ने उनका नाम भ्रष्ट लोगों की सूची में शामिल किया है और वो इसका जवाब कोर्ट में देंगे, लेकिन केजरीवाल को भी ऐसा करना चाहिए। केजरीवाल ने आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में देश के कई नेताओं को भ्रष्टाचार में लिप्त बताया था, जिसमें फारूक अब्दुल्ला का भी नाम शामिल था। केंद्रीय कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने भी केजरीवाल की भ्रष्ट नेताओं की सूची को खारिज कर दिया। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में आज हरीश रावत की ताजपोशी हो सकती है। कल विजय बहुगुणा ने उत्तराखंड के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। आज सीएम का चुनाव होना है। दिल्ली के लाजपत नगर में अरुणाचल प्रदेश के कांग्रेस विधायक निदो पवित्रा के पुत्र निदो तनियम की मौत के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। दिल्ली सरकार ने इस केस की मजिस्ट्रियल जाँच की सिफारिश की है। आरोप है कि बुधवार को लाजपत नगर मार्केट में कुछ लोगों ने तनियम की बुरी तरह से पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। आज इस घटना के विरोध में अरुणाचल प्रदेश के छात्र दिल्ली में विरोध मार्च करेंगे। मुंबई के बांद्रा फ्लाईओवर पर एक सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई। बताया जाता है कि तेज रफ्तार बाइक फ्लाईओवर में लगे केबल से उलझकर हादसे का शिकार हो गई। हादसे में याकूब नामक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक सवार दूसरा शख्स गंभीर रूप से जख्मी है। उसका इलाज मुंबई के साइन अस्पताल में चल रहा है। मुंबई में आज देश के पहली मोनोरेल का उद्घाटन होगा। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आज इसका उद्घाटन करेंगे। आम लोगों के लिए मोनोरेल सेवा रविवार से शुरू होगी। हरे, गुलाबी और नीले रंग की है मोनोरेल और पहले फेज में चेंबूर से वडाला तक सफर करेगी। करीब 9 किलोमीटर की ये दूरी मोनोरेल 15 से 20 मिनट में पूरी कर लेगी। चेंबूर से वडाला तक 7 स्टेशन हैं। मोनोरेल के 4 कोच में एक बार में 570 यात्री सफर कर पाएंगे।
मोनोरेल का टिकट 5 से 20 रुपए रखा गया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज कर्नाटक में कांग्रेस के चुनावी अभियान का शंखनाद करेंगी। सोनिया आज टुमकुर के महात्मा गांधी स्टेडियम में रैली करेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष गुलबर्गा में भी एक रैली को संबोधित करेंगी। मुजफ्फरनगर में कुछ अज्ञात लोगों ने बीजेपी के प्रचार वाहन में तोड़फोड़ की और मौके से फरार हो गए। बीजेपी कार्यकर्ता वाहन पर नरेंद्र मोदी का होर्डिंग लगाकर प्रचार कर रहे थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोपियों के खिलाफ फौरन कार्रवाई की मांग की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह ने बुधवार को यूपी के मंत्रियों की फिर क्लास ली। मुलायम ने अपने मंत्रियों को जीत का मंत्र देते हुए कहा कि वो हर प्रत्याशी को मुलायम सिंह मानकर चलें और उसे जिताने में अपनी पूरी ताकत झोंक दें। मिशन 2014 को धार देने के लिए मुलायम ने अखिलेश सरकार के ज्यादातर राज्य मंत्रियों को लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी बना दिया है। मंत्रियों की इस क्लास में मुलायम के साथ अखिलेश यादव भी मौजूद थे। बिहार बीजेपी हाईटेक होती जा रही है। पार्टी ने बिहार में अपने सभी कार्यकर्ताओं को टेलीब्रिजिंग के जरिए जोड़ दिया है। इसके जरिए बीजेपी के नेता करीब 1000 कार्यकर्ताओं से एक साथ बात कर सकते हैं। इस तकनीक का सबसे पहले इस्तेमाल बीजेपी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने किया था। बिहार पहला राज्य है जहां बीजेपी इस तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने किसानों की समस्याओं को लेकर कई जगह जाम लगाया। रास्ता खुलवाने में पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। कांग्रेस का आरोप है कि विधानसभा चुनाव के पहले अपने घोषणा पत्र में बीजेपी ने धान का समर्थन मूल्य 1200 रुपए से बढ़ाकर 2100 रुपए प्रति क्विंटल करने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद बीजेपी अपने वादों से मुकर गई है। बीजेपी ने कांग्रेस के इन आरोपों को बेतुका बताया है। हाल ही में राहुल गांधी द्वारा 1984 के सिख दंगों को लेकर दिए गए बयान के विरोध में अकाली दल ने पटियाला में राहुल गांधी का पुतला जलाकर नारेबाजी की। अकाली नेताओं ने कहा कि राहुल के इस बयान से साफ हो चुका है कि 84 में सिखों के कत्लेआम में कांग्रेस के नेता शामिल थे। पश्चिम बंगाल में टीएमसी पर फिर लगा है गुंडागर्दी का आरोप। इस बार निशाने पर तृणमूल की छात्र इकाई परिषद है। एसएफआई का आरोप है कि रानीगंज गर्ल्स कॉलेज के छात्र संघ चुनाव में 23 में से 12 सीटें जीतने के बावजूद तृणमूल छात्र परिषद ने एसएफआई को छात्र संघ का गठन करने से रोक दिया। एसएफआई कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे पर थाने में जमकर नारेबाजी की। एसएफआई ने आरोप लगाया कि तृणमूल छात्र परिषद ने बाहर से गुंडे बुलाकर उनके छात्रों को कॉलेज में नहीं घुसने दिया। तृणमूल छात्र परिषद ने इन आरोपों को बकवास बताया है। 8 करोड़ की लूट के 3 आरोपियों की पहचान कर ली गई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अजय, शक्ति और प्रदीप उन लुटेरों में शामिल थे जिन्होंने लाजपत नगर की महालूट को अंजाम दिया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पीड़ित का ड्राइवर राजेश ही लुटेरों का मुखबिर था। उसी ने मदनगीर में रहने वाले अपने रिश्तेदार अजय को रकम की जानकारी दी थी। अजय ने शक्ति को बड़ी रकम के बारे में पूरी जानकारी दी थी। उस समय शक्ति कार चोरी के मामले में जेल में बंद था। जेल के अंदर ही उसने प्रदीप के साथ मिलकर महालूट की योजना बनाई। केरल का रहने वाला प्रदीप ही 8 करोड़ की लूट का मास्टरमाइंड था। पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण के बैंक अकाउंट से 10 लाख रुपए उड़ाने वाले हैकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। लक्ष्मण ने आंध्र प्रदेश के साइबराबाद में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके बैंक अकाउंट से 10 लाख रुपए उड़ा लिए गए हैं। मामले की जांच में पुलिस ने पाया कि ये जालसाजी पश्चिम बंगाल के विधान नगर से की गई है। साइबराबाद की पुलिस ने विधान नगर पुलिस के साथ संपर्क किया, जिसके बाद एजाजुल नाम के शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा से 1 करोड़ रुपए लेकर फरार होने वाले ब्रोकर को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राज कुंद्रा ने 2 साल पहले जुहू के पिनाकल ड्रीम्स वाले फ्लैट को बेचने के लिए रवि ग्रुप के साथ करार किया था। रवि ग्रुप ने 1 करोड़ रुपए की एडवांस मनी भी शिल्पा और राज कुंद्रा को दे दी थी, लेकिन समय पर पैसा न दे पाने की वजह से ये डील फाइनलाइज नहीं हो पाई और राज कुंद्रा ने 1 करोड़ रुपए ब्रोकर राजेश ठक्कर को वापस कर दिए। 1 करोड़ रुपए देखकर राजेश ठक्कर की नीयत खराब हो गई और वो पैसे लेकर विदेश भाग गया, लेकिन 2 साल बाद जब वो वापस लौटा तो पुलिस ने उसे धर दबोचा। राजेश के खिलाफ पहले भी इस तरह के मामले दर्ज हुए हैं। गाजियाबाद के 4 पुलिस वाले लूट के आरोप में सस्पेंड कर दिए गए हैं, जबकि एक दरोगा को लाइन हाजिर किया गया। पीड़ित का आरोप है कि 4 पुलिस वाले उसके घर में घुस गए थे। उसे और उसके साथियों को जमकर मारा पीटा गया और उसके बाद घर से 70,000 रुपए लूट लिए गए। थाने पहुंचने पर पीड़ित पर भी इन पुलिस वालों ने मामला न दर्ज कराने के लिए काफी दबाव डाला। बाद में पीड़ित की शिकायत पर गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में मामला दर्ज हुआ और 4 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया। शिरडी से 35 किलोमीटर दूर खैरी निमगांव में 1.5 साल का बच्चा बोरवेल में गिर गया।
शुक्रवार को दोपहर करीब 2 बजे बच्चा बोरवेल में गिरा, जिसकी जानकारी बच्चे के बड़े भाई ने घर वालों को दी। बच्चा बोरवेल में करीब 25 फीट नीचे फंस गया। सूचना मिलने पर प्रशासन बच्चे को बचाने में जुट गया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में कंगन गांव में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों को उस इलाके में आतंकवादी होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद उस इलाके को घेर लिया गया। सुरक्षा बलों से घिरता देख आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसका मुंहतोड़ जवाब सुरक्षा बलों की ओर से दिया गया।